हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे नवग्रह पूजा में जिन वृक्षों को लगाया जाता है और पूजा के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, उन्हीं के बारे में कि आप बहुत आसानी से उन प्लांट्स को पहचान लें और आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शमी वृक्ष के बारे में, जो कि शनि का प्लांट है और इसकी डायरेक्शन है वेस्ट। और शमी का जो वृक्ष है वो बीज के द्वारा बहुत आसानी से उग जाता है। इस पर एक मेरी सेपरेट वीडियो भी है और आप किसी को अगर इसके सीड्स चाहिए तो वो भी मैं वाई पोस्ट आपको सेंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये नर्सरी में बहुत महंगा प्लांट मिलता है, तो इसलिए आप इसे सीड के द्वारा उगा सकते हैं। और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे आंख की, जो कि रवि सूर्य का प्लांट है, जिसे मदार भी कहते हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि ये प्लांट जहरीला होता है। इसका जो दूध होता है वो हमारी स्किन के लिए और ख़ास तौर से आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो इसके आसपास जाते समय या छोटे बच्चों को इससे बचा के ज़रूर रखिए। और थर्ड नंबर पे आता है मून, चंद्रमा, जिसका वृक्ष है पलास और डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। ये एक जंगली पौधा है तो इसे आप गमले में उगा सकते हैं, लेकिन आप इसे खरीद लीजिए कहीं से, छोटा सा एक प्लांट, तो बहुत आसानी से ये हो जाता है। बीज के साथ ये इतनी जल्दी नहीं उगता है। और चौथे नंबर पे आता है राहु, जिसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। और इसके लिए जो प्लांट है वो है दूब घास। हमारे आसपास कहीं भी आपको उगी हुई मिल जाएगी। सर्दियां हैं इसलिए थोड़ी ये सूख गई है। और इसके बाद बात करेंगे हम केतु की, जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। और इसके लिए दभ ग्रास को लगाया जाता है। ये भी एक जंगली ग्रास है और बड़ी होने पर इसमें सफ़ेद कलर का फूल लगता है, जो बहुत सुंदर होता है देखने में, तो इसे भी आप बहुत अच्छी तरह से पहचान लीजिए। और फिर बात करेंगे हम मंगल की, तो मंगल की जो डायरेक्शन है वो है साउथ। और इसके लिए खैर का पौधा लगाया जाता है। खैर प्लांट जो है समी के जैसी ही इसकी पत्तियां होती हैं, लेकिन इस पर कांटे नहीं होते और इसे भी आप गमले में लगा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बुध मरकरी, जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। और इसके लिए अपामार्ग यानी कि लट जीरा इस ग्रास को लगाया जाता है। और इसकी जो बाद में जब बीज बनते हैं पकने के बाद, तो वो बिल्कुल जीरे जैसे होते हैं। और फिर बात करेंगे हम गुरु की, जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ और इनका वृक्ष है पीपल, तो इसे भी आप गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं, बशर्ते इन्हें आप साफ सफाई वाली जगह पर रखिए, पूजा कीजिए। और आजकल तो बोनसाई का भी बहुत चलन है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे शुक्र की, जिसकी डायरेक्शन है ईस्ट और प्लांट है गूलर। ये भी बहुत आसानी से गमले में उगने वाला प्लांट है और आप इसे लगा सकते हैं अपने घर में कहीं भी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय।